हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको लैन कार्ड का जो ड्राइवर है वो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पता नहीं है कि कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइज हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके अंदर लैन का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए गाइज सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है, आपका विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है, दिस पीसी पर राइट क्लिक करके मैनेज बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा, डिवाइस मैनेजर पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर गाइज आपको चेक करना है कि जो आपका नेटवर्क अडेप्टर है उसके अंदर लैन का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो गाइज हमारे यहाँ पर लैपटॉप के अंदर लैन का ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं है। अगर आपका यहाँ पर शो नहीं होता है तो हम लोग आगे चल के उसको डाउनलोड भी करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पर कर दीजिए क्लिक। ये उस केस में है जब आपका यहाँ पर ड्राइवर दिख रहा है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। लेट मी पिक ये वाला ऑप्शन कर लेना है सिलेक्ट, इस पर कर देना है क्लिक आपको। यहाँ पर गाइज आपको सिलेक्ट करना है जो आपका इथरनेट का जो ड्राइवर है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर ये वाला है, यहाँ पर सेम एज इट इज आपको मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप शो फॉर कंपेटिबल ड्राइवर हार्डवेयर पर क्लिक करोगे और यहाँ पर कर देना है क्लिक, नेक्स्ट बटन पर आपको कर देना है क्लिक। तो गाइज यहाँ पर आपका ड्राइवर हो जाएगा अपडेट लैन का। ओके, इसको कर देंगे हम लोग क्लोज, इसको कर देंगे मिनिमाइज या फिर बंद कर देंगे। वापस से आपको इसी लैन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करके मैनेज प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आपको एक डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, डिटेल्स पर कर दीजिए क्लिक। यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर जो ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फाइंड करना है, हार्डवेयर आईडीएस, कर दीजिए क्लिक। पहली वैल्यू को आपको कर लेना है कॉपी, राइट क्लिक करके इसके ऊपर कॉपी कर लीजिए, बस ये पहला वाला ही। कोई भी ब्राउजर आपको लॉन्च कर लेना है। इसके बाद यहां पर गाइज आपको टाइप करना है ड्राइवर पैक, DRIVERS पैक, ये देखिए नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। ओके, यहाँ पर आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है, कर दीजिए यहाँ पर क्लिक। यहाँ पर आपको ड्राइवर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। जो हम लोगों ने वैल्यू कॉपी किया था यहाँ पर कर दीजिए राइट क्लिक करके पेस्ट, फाइंड पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर जो आपका ड्राइवर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए। आप इसको दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप इंस्टॉल ड्राइवर ऑटोमेटिकली पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी आप विंडोज यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर डाउनलोड ड्राइवर करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। अगर हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहे हैं डिवाइस मैनेजर के अंदर, हमारा जो नेटवर्क अडेप्टर है यहाँ पर उसका ड्राइवर ही नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे दूसरे तरीके के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर के अंदर आपको चले जाना है, फाइल पर जाकर रन न्यू टास्क पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है MS Info 32, और यहाँ पर जो ये चेकबॉक्स है उसको चेक कर दीजिए, ओके बटन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर गाइज हम लोग मेक श्योर करने वाले हैं कि जो हमारा लैपटॉप है वो कौन सी कंपनी का है। तो हमारा यहाँ पर लेनोवो कंपनी का हमारा लैपटॉप है, हो सकता है आपका यहाँ पर HP का हो, डेल का हो या फिर कोई भी कंपनी का हो। जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि सिस्टम मैन्युफैक्चरर आपका कौन है। यहाँ पर हमारा जो सिस्टम मैन्युफैक्चरर है यहाँ पर लेनोवो है, तो हम लोग इसको कर देंगे बंद और इसको रखेंगे माइंड में। इसको भी फाइल पर जाना है आपको, वापस से रन न्यू टास्क करना है। अभी इसी लैपटॉप का हम लोग
क्या करेंगे, ड्राइव जो सीरियल नंबर है उसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर CMD टाइप कर दीजिए और यहाँ पर ये चेकबॉक्स चेक करके ओके कर दीजिए। यहाँ पर हमारा जो लैपटॉप है उसका सीरियल नंबर हम लोग निकालने वाले हैं इधर। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड रन करना है आपको, ये वाला कमांड, इसको कर लेना है कॉपी एज इट इज। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कर दीजिए राइट क्लिक और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो इससे क्या होगा, आपका जो लैपटॉप है उसका सीरियल नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा। किसी भी लैपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए उस लैपटॉप का मॉडल नंबर या फिर आपको सीरियल नंबर लगता है, कोई भी एक ब्राउज़र ले लीजिए। यहाँ पर जाना है आपको सर्च इंजन के अंदर, यहाँ पर टाइप टाइप करना है आपको लिनोवो, क्योंकि आपका लिनोवो का लैपटॉप है, डेल का है तो डेल, एचपी का है तो एचपी, ठीक है। यहाँ पर लिनोवो ड्राइवर डाउनलोड, ये आपको टाइप करके सर्च करना है और यहाँ पर आपका पहला ही लिंक मिल जाएगा, ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। वेबसाइट पर आ जाओगे जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है, ये सीरियल नंबर है जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी कर लिया है, सेम एज इट इज, देखिए ऊपर भी सेम है और यहाँ नीचे भी, कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है, सेम एज इट इज है दोनों, मिनिमाइज कर लेंगे। यहाँ पर इंटर सीरियल नंबर चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर डाल दीजिए इसको, और एरो बटन पर आपको कर देना है क्लिक। इससे क्या होगा, जो आपके लैपटॉप है उसके ड्राइवर आपको यहाँ पर वो दिखा देगा कि भाई आपके ये लैपटॉप के ड्राइवर हैं, देखिए यहाँ पर आ गए हैं। आपको क्या करना है, मैनुअल अपडेट पर क्लिक करना है, सेलेक्ट ड्राइवर, आप इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं बट हम लोग यहाँ करेंगे मैनुअल। सेलेक्ट ड्राइवर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, कोई भी है, आप जस्ट चेकबॉक्स को चेक कर लीजिए एक एक, अगर आपको जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो 10 है, 8 है, 7 है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हमारा विंडोज 10 है तो हम लोग यहाँ पर ये चेकबॉक्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये चेकबॉक्स विंडोज 10 के लिए, यहाँ पर आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको यहाँ पर जो आपका लैपटॉप है उसका लैन का ड्राइवर आपको मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर नेटवर्किंग लैन इथरनेट, यहाँ पर कर देना है क्लिक, ये आपका लैन का ड्राइवर हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने आपका ड्राइवर आ जाएगा, ठीक है, ये डिटेल्स हैं, ये आपको आप यहाँ रीड भी कर सकते हैं डिटेल्स को। तो देखिए यहाँ पर रियलटेक लैन ड्राइवर, यहाँ पर डाउनलोड बटन पर कर देना है क्लिक। जैसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर ड्राइवर है जो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गाइस हमारा जो ड्राइवर है वो डाउनलोड हो चुका है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ये वाला सॉफ्टवेयर। सो इन फोल्डर पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो ड्राइवर है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, नीचे वाला जो एक्स्ट्रा था, यहाँ पर ये वाला ड्राइवर है आपका, इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, आई एक्सेप्ट, और नेक्स्ट बटन पर कर देना है क्लिक। इंस्टॉल आपको चेक बॉक्स चेक रहने देना है, क्लिक कर देना है नेक्स्ट, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए वापस से, और यहाँ पर अब आपको रियलटेक ड्राइवर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो गाइज यहाँ पर आपका जो लैन का ड्राइवर है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुका है आपके लैपटॉप के अंदर, या फिर आप जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, फिनिश बटन पर आप कर दीजिए क्लिक, ठीक है, और इसको मिनिमाइज कर दीजिए। एक बार जो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एक बार रिस्टार्ट कर लेना है आपको ज़रूर। लैपटॉप रिस्टार्ट करने के बाद जो आपका लैन का जो ड्राइवर है यहाँ पर आपको आ जाएगा, शो हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको लैन ड्राइवर डाउनलोड करने में या फिर इंस्टॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर लैन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर आपको वो आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपको कुछ मदद मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।